जोर का झटका लगाना। जब किसी का वक्त बुलंद हो तो कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। मेरा अच्छा वक्त शुरू हो गया। एक दिन तो तेरा सच सामने आएगा ही, तेरा भांडा फूटेगा, देखते जा। कृपा करके आप सब आपस में बात ना करें, मुझे सगाई कराने दे। आज इस मंगल अवसर पर दोनों परिवारों को आशीर्वाद। स्टॉप लगा। ये सुपरवाइजर पवन वर्मा यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ सुपरवाइजर? सुपरवाइजर नहीं, बिजनेसमैन बोल। मैं चिंतामणि राव का बड़ा जमाई हूँ। ये सगाई मेरी मर्जी के बिना हो रही है। नया जमाई कौन है? कहाँ बैठा है वो? मैं हूँ जमाई। इनके घर का जमाई हूँ मैं। अरे चल, ये सूट पेंट वाला जमाई है। यही है। तो तुम हो नए बकरे? एक मिनट जरा कोपचे में आओगे, इंटरव्यू लेना है। आप तो ये जरूर फंसेगा। अरे यार, अब एक और पंगा झेलना पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम? पढ़ाई कहाँ की, पढ़ाई कहाँ की, पढ़ाई कहाँ की? एक ही सवाल तीन बार क्यों पूछ रहे हो? डर लगता है यार। ओके, अब सिर्फ एक ही बार पूछूंगा, तुम कौन हो, पढ़ाई कहाँ की? मेरा नाम शिवम है। तो डॉक्टर MBBS शिवम तुम ही हो? हाँ हाँ, वही हूँ। देसी मीडियम या विदेशी मीडियम? ये आदमी है या सवाल की दुकान, अब तक झूठ बोला है, दिल खोल के और बोल दे। इंग्लिश मीडियम में। तो चलो जल्दी से इंग्लिश में पटर पटर करके बताओ। यही चिपकाता हूँ। Once my teacher told father ऐसे you have to write. Now you hear what I had writing. I am a very fatherly person. I have lots of fathers. Understand? Some of my fathers are male and some of my fathers are female. My mother is very close to my fathers. My uncle is also my father. My true father is my neighbor and I love all my fathers because हर एक father जरूरी होता। इतना काफी है या और सुना? यार तुम्हारी इंग्लिश सुनके तो अंग्रेजों का भी सीना चौड़ा हो गया होगा। सुपर। वन कंडीशन। अब क्या है सर? यहाँ अंदर जो कुछ भी हुआ वो तुम बाहर जाके नहीं बताओगे। आई शपथ लो और मुझे बताओ। अगर मैं डफर हूँ तो ये तो डफरों का भी बाप है। इतना क्या सोच रहे हो यार? आई शपथ सर। थूक के शपथ को लॉक करो। थूक। आई शपथ। गुड। एक और। अब क्या है? ये तो मान लिया कि तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हो, लेकिन ये कैसे मान ले कि तुम एक डॉक्टर हो? सरदर्द की दवा कौन सी है? सेरिडोन। सुपर। जमाई तुम ही बनोगे, फॉलो मी। आइए जमाई डॉक्टर साहब, आइए आइए, मुहूर्त निकला जा रहा है, आइए आइए। बिजनेस जमाई। हाँ। अंदर डॉक्टर जमाई को लेके गए थे, सब ठीक है? मेरा एक एक सवाल तो इसके दो दो जवाब, 10 में से 20 मार्क्स। मैं तो बोलता हूँ सगाई बाद में, पहले शादी कर लो। अरे कोई है क्या घर पे? आइए आइए, आओ नंदिनी। आंटी लता है क्या? है ना, आ रही है। अरे तुम यहाँ कैसे आना हुआ? तुझे अपनी शादी का कार्ड देने आई हूँ, इनसे मिल, ये मेरे होने वाले पति हैं। हाँ, मेरा नाम शिवम शर्मा है। अरे डॉक्टर शिवम MBBS का हो ना? डॉक्टर। अरे नंदिनी, तुम्हारे बायोकेमिकल का एग्जाम कैसा था? ये क्या बोल रही है? लगता है कोई बहुत बड़ा एग्जाम है। इससे तेरे पूरे परिवार के साथ बिल्कुल। ये कंपाउंडर इतना ताड़ रहा है, लगता है MBBS से पहले तो इसकी शादी हो जाएगी। तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। डॉक्टर जमाई बाबू, जब हम इतनी दूर तक कार देने आई गए हैं तो इस डॉक्टर को भी शादी में बुला लें। क्या ये आपको जानते हैं ससुर जी? जमाई बाबू, आप डॉक्टर हैं तो इसे तो जानते ही होंगे ना? जानते हैं, जानते हैं। तेरा ससुर पिटवाएगा। अरे दामाद को लेकर कोई कार्ड बांटने पड़ता है क्या? ये मेरी शक्ल दिखा के सबको डींगे मार रहा है कि इसका जमाई डॉक्टर है, पागल है ये। डॉक्टर टप्पू सुल्तान। hey, टप्पू नहीं, मैं डॉक्टर टीबू सुल्तान हूँ। Have a good morning, नमस्ते, नमस्ते। आप कौन है? आप हम में से यहाँ किसी को भी नहीं जानते। तुम कोई फिल्म स्टार थोड़ी हो? आप एक डॉक्टर है ना? इनकी मेरी बेटी से शादी होने वाली है, ये भी डॉक्टर है, दोनों एक ही बिरादरी के हैं ना आप? हाँ। आप इनकी शादी में आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ, तो हम कार्ड देंगे जमाई बाबू, हम साथ साथ हैं, लीजिए शादी में आइए। ये बहुत बिजी लगते हैं, शादी में नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो चलो चलो। ऐसा बिल्कुल मत करो, एक डॉक्टर अगर दूसरे डॉक्टर की शादी में आएगा तो अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, जमाई बाबू को खुशी मिलेगी। आपका चेहरा धतूरे के फूल की तरह है जो 12 साल में एक बार ही खिलता है। वो कुरुंजी का फूल होता है। फूल तो फूल ही होता है। आपके कहने का क्या मतलब है? आपका चेहरा देखकर लगता है कि ये आदमी इंजेक्शन मारने के लिए पैदा हुआ है, एकदम पक्का डॉक्टर। ठीक है। इसको भी ताड़ रहा है, इससे तेरा वंश नहीं बढ़ेगा, चल यहाँ से। आप जरूर आइएगा। हाँ हाँ पक्का। दो डॉक्टर्स को बात करता देखकर तबीयत ऐसी हरी हो जाती है जैसे पालक की सब्जी मेथी मिक्स करके बनाई। ससुर जी। हाँ। मैं जरा एक मिनट अंदर जाके आता हूँ। हाँ हो क्या? अभी है। तू कहाँ चल रही? जमाई को अकेले जाने दो। जमाई डॉक्टर, टीपू भी डॉक्टर, दोनों ये चर्चा करेंगे कि मार्केट में कौन सा नया रोग आया। तू काय को बीमार हो रही है, चल चल चल। नमस्ते डॉक्टर। डॉक्टर आप? हाँ मैं। आप तो वो फर्जी है, फर्जी है, मैं एक जाली डॉक्टर हूँ।
सालों से लोगों को उल्लू बना रहा हूँ। प्लीज मेरा भांडा मत तोड़ना, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। हॉपर वाले ने बोलिए चिंतामणि जी। डॉक्टर, मैंने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है, आपको शादी का कार्ड देना था। इस वक्त आप क्लिनिक पर हैं या होम पर हैं? मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, आप शाम 7 बजे घर आ सकते हैं। मैं ठीक 7 o'clock पहुँच जाऊँगा। आपका हाथ है कि शायद है, क्या चाय है? थैंक्स। हाँ बोलो मीरा। आपसे मिलने चिंतामणि जी आए हुए हैं। ओह सॉरी सॉरी। वो अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आए। जरा फोन दो ना। लीजिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। सॉरी मिस्टर चिंतामणि, अचानक एक अर्जेंट ऑपरेशन आ गया था। कोई बात नहीं डॉक्टर, एक डॉक्टर के लिए उसके पेशेंट से बढ़कर और कुछ नहीं होता। मैं अभी अपनी बेटी की शादी MBBS से करा रहा हूँ, कार्ड भाभी जी को दे दिया है, आपको आकर आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। थैंक यू चिंतामणि जी। ये लीजिए फ्रूट सैलड, इसमें बच्चों की फोटो भी है। हेलो, डॉक्टर घर पे नहीं है, वो आते हैं तो बता देती हूँ। रिसेप्शनिस्ट पे मिलते हैं? जी बिल्कुल। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। विवाह संपन्न हुआ, दंपति को आशीर्वाद। नहीं नहीं कोई बात नहीं। Actually, बैठो ना। I'm so happy that I got married to you. The thing is, we both husband and wife should not have any secrets between us. The other thing is, my friends are so jealous about me that I got married to an MBBS doctor. I don't know how to express. I'm so excited and I feel so happy. I'm very much interested about you in so many ways. I just want to talk to you about so many things. And you know, I'm spellbound. I really feel blessed to have you in my life. And शिवम, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ यार? अरे यार सुन, सुहागरात के बारे में सोच सोच कर मेरे पसीने छूट रहे हैं। अरे मेरे शेर, आज तो छक्का मारने का दिन है। अरे वो बात नहीं है, नंदिनी पढ़ी लिखी है, अगर उसने इंग्लिश में टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे, अरे रे, मैं तो हिंदी में भी अटकता हूँ यार। अरे चिंता मत कर, तेरे लिए मेरे पास एक तगड़ा प्लान है। क्या बात कर रहा है? वो तुझे अपने आप पता चल जाएगा, बस तू हिम्मत करो और अपने कमरे में जा। पता नहीं मेरा क्या होगा। बेटा नंदिनी, हमारे परिवार ने जरूर कोई पुण्य कार्य किया होगा, इसलिए मुझे बड़ा जमाई एक बिजनेसमैन और छोटा जमाई MBBS डॉक्टर मिला। अब तो शादीशुदा जिंदगी में कदम रखने जा रही है। जानती है ये रिश्ता कैसा होता है? बिल्कुल आटे और पानी जैसा, धीरे धीरे गूंदना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़ता है, वरना रायता फैल सकता है। आज ये बातें मुझे बतानी पड़ रही है क्योंकि तेरी माँ का फर्स्ट फ्लोर खाली है और मेरी माँ टॉप फ्लोर पे गई। एक बात आईज ओपन करके सुनो, तेरा पति अगर थोड़ी देर के लिए भी तुझसे दूर जाए तो उसके दिमाग में तेरी शक्ल राउंड राउंड तांडव करनी चाहिए, समझ गई? कुछ ऐसा ही जादू कर दे उस पर। अब एक रास की बात, इंटरवल तक तो पता नहीं चला जमाई को कि तू अनपढ़ है। आगे भी सवाल लेना टिल द एंड। तो एक अंगूठा छाप हूँ, पता नहीं इतने पढ़े लिखे आदमी के साथ कैसे निभा पाऊंगी। किताबें देखकर ही चक्कर आ रहे हैं। नंदिनी, अरे नंदिनी, ए क्या हुआ? अरे ससुर जी। अरे नंदिनी क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हुआ? जमाई राजा, ऐसा आपने क्या दिखा दिया जो ये बेहोश हो गई? मैंने कुछ नहीं किया। फिर अचानक बेहोश कैसे हो गई ये? जब ये जूनियर केजी में थी और मैंने इसे अपनी किताबों से स्टडी करने को कहा था तो ये बेहोश हो गई थी। आज तो इन किताबों को देखकर कोमा में चली गई होगी। सब लोग मिलकर रंगोली बना रहे हो क्या? नंदिनी को देखो सर, देखो। अरे क्या कर रहे हो? मरी नहीं है, बेहोश हुई है। नंदू की बेटी ऑफ कैसे हो गई? डॉक्टर साहब,
अरे आपको टेस्ट मैच खेलना था 2020 नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस किताबों से कुछ कॉपी कर रहा था। अपनी सुहाग रात के दिन अगर लाइब्रेरी खोल के बैठेगा तो ऐसे ही होगा ना। नंदिनी बेहोश पड़ी है जमाई जी। मिठाई खिलाओ ससुर जी, मुझे तो लगता है कि ये प्रेग्नेंट है। कहा प्रेग्नेंट? आप बिजनेसमैन हो कि वॉचमैन? ये मेरी बेटी है, 4G नहीं है जो अपलोड होते ही डाउनलोड कर दे। ससुर जी टेक अ चिल पिल यार, जब बगल में बटर हो तो भला कोई घी ढूंढता है क्या? गाय का घी या बैल का? ओहो, मैं छोटे जमाई की बात कर रहा था। इंसान है, बटर नहीं है। अरे मेरा मतलब है, जब ये डॉक्टर साहब यहाँ खड़े तो आप अपने गले की नस क्यों फाड़ रहे हैं? साडू साहब, सासू माँ, आप हटिए, मैं पेपर देता हूँ, आप दवाई का नाम लिखिए। ये लीजिए, ये लीजिए। और सरदार दवाई लिखना। बच गई बैंक शिवम। अरे ओम श्री गणेश, बाद में लिखना, पहले दवाई का नाम लिखिए। पता नहीं पिछली बार कब पेन उठाई थी। मेरी तरह बिना हिले डुले दवा का नाम लिखो। मैं क्या मेरा बाप भी नहीं लिख सकता? दवाई का नाम याद नहीं तो आपकी भूख लगी। छोटे जमाई को डिस्टर्ब मत करो, इन्हें पता है कि कौन सी दवाई का चित्र बनाना है। इतना काफी अच्छी लिखा है, बस हो गया, मैं जा रहा हूँ। सर इस दवा में लिखा पेपर दो। ची ची ची, इस पेपर में लिखा हुआ दवा दो। अरे यार ये दवा दे दो यार। नहीं है, फुल वॉल्यूम में पुंगी बजवाने से अच्छा होगा, ससुर जी को सब सच बता देता हूँ। ससुर जी, जमाई बाबू टेंशन को पेंशन दे दो, बहुत जल्द नंदिनी आपको हल्दी वाला फालूदा खिला रही होगी। दरअसल बात ये है कि ससुर जी, साडू जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों, क्या हुआ? मेडिकल शॉप में काम करने वाले ने इस पेपर को देखते ही आप देखा ना दाव दवाई निकाल के दे दी। ऐसा क्या? आपने जो ईसीजी की लाइन बनाई थी उसको उसने पढ़ लिया। मैंने तो पेपर पर जलेबी बनाकर भेजा था, दुकान वाले ने दवाई कैसे दे दी, वो भी अनपढ़ था। ससुर जी, इस लोटे में अभी भी थोड़ा सा दूध बचा है, तो क्यों ना मैं और आपकी बेटी। कुछ भी बोलते हो, शर्म ही नहीं आती। अरे जिसने की शर्म उसके फूटे करम। जमाई बाबू की एक गोली से होश में आ गई है, गले लग जा। जमाई बाबू, मैं समझ गया हूँ, आप एक डॉक्टर नहीं है। क्या कहा? महान डॉक्टर है आप। चलो एक बार लेटर पढ़ के देखते सब ठीक तो है ना। डियर मिस्टर चिंतामणि, आप जैसा सोचते हैं आपका जमाई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वो एक अनपढ़ है, वो एक साधारण सा वैद्य है, MBBS नहीं, आपका शुभ चिंतक। चिंतामणि की चिंता बढ़ जाएगी। चलता हूँ ससुर जी। सुबह सुबह इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो जमाई बाबू? मुझे एक जरूरी फोन आ गया था, ऑपरेशन करने पहुँचना। जाइए जाइए, हमारी नंदिनी बिटिया भी साथ जा रही है, कैंची पकड़ लेगी। मैं मंदिर जा रही हूँ पापा। साथ जाना, इधर आओ। बाय। ओ तेरी। अरे इस पेड़ पर आम क्यों लगे? वो इसलिए क्योंकि वो कोई आम पेड़ नहीं है। अच्छा, समझ गया। अपना रास्ता एकदम साफ है। चले गया।